आजमगढ़ फोर्ट शॉर्टकट मार्ग कंटीले झाड़ियों के बीच से, अन्यथा आपको काफ़ी घूमकर जाना पड़ेगा। वही दुर्गंध आनी आरंभ हो चुकी है। बिल्कुल, नीचे से तो बिल्कुल सन्नी फील लग रहा था और लेकिन चढ़ते चढ़ते हालत थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी टाइट हो गई। और ये शॉर्टकट वे दुर्ग की पिछली तरफ से चढ़ाई, और यह है मुख्य मार्ग भानगढ़ से अलवर की तरफ, और दूर पहाड़ियाँ। चलिए और चलते हैं आगे। एक विमान की संरचना भी कुछ ऐसी होती थी जैसे इसमें से ऊपर से गोली बरसती थी ना विमान से भी। ये देखिए वर्ण परियोजना सरिस्का, इसका द्वार कहाँ से है? इधर से चली जाइए। वैसे बैट्स की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, इस बुरज से आ रही है। चुके हैं अजबगढ़ दुर्ग में, उसके पीछे के रास्ते से। ये ऊपर जाने के लिए स्लोप इधर से और ऊपर जाके और वहाँ पर प्रहार करने के लिए, बिल्कुल शत्रु पर उस तरफ भी। हाँ, वो भी बुर्ज दे रखे ऊपर। बुर्ज को हिंदी में क्या कहते हैं जी, मतलब संस्कृत में प्राचीर का क्या है? ये नहीं पता जी। ये देखिए यहाँ पर पत्थर का कोई स्तंभ था, ये है जैक आर्च रूफ, ये है शैली। बीच में गर्डर्स और गर्डर्स के बीच में ढलाव की छत, और यहाँ पर बहुत ही दुर्गंध। ये कदाचित जल को संरक्षित करने के लिए बनाया गया जी। ये देखिए कितनी सुंदर संरचना यहाँ पे की हुई है। ये मध्य में क्या है, ये कैसा कलश है? पतली सी गर्दन वाला सुराही की तरह कुछ लग रहा है। पहली बार देखी मैंने तो सुराही किले में। सुराही नहीं, ये
फूलदान, गुलदस्ता, गुलदस्ता और मार्बल। और ये वही पैटर्न? नहीं वो नहीं, हाँ ये वाला वही वो है। और ये वो अधूरा था, इसके ऊपर ही देखिए ये पुष्प। ये दो लेवल है बिल्कुल। ओह इसकी तो छत्र भंग हो चुकी है लेकिन काफी अच्छा यहाँ पर यार ये पत्थर है अथवा मार्बल है वो चूने का प्लास्टर। मार्बल स्टोन है पत्थर? पत्थर है। हाँ ये देखो। हाँ और ये फिक्सिंग के लिए लो। इन ये पत्थर अलग है, ये अलग है, इन दोनों को फिक्स किया हुआ है यहाँ से। और दुर्गंध काफ़ी, हमें एक वो मूवीज में दिखाया जाता है ना मास्क, दोनों साइड वो फिल्टर लगे होते हैं, वैसा कुछ लेके आना पड़ेगा। वो ऐसे फिल्टर लगे रहते हैं? नहीं, दोनों तरफ पूरा फेस को कवर कर लेता और छोटे छोटे फिल्टर जो साइड में लगे रहते हैं। वो मूवी देखी आपने मैक्स, मैड मैक्स फ्यूरी रोड्स? बिल्कुल भाई। उसका जो विलेन है वो मास्क पहनता है, क्योंकि सभी किलों में जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर ऐसी दुर्गंध, इस यहाँ खुले में नहीं खड़ा रहा जा रहा तो अंदर कैसे घुसेंगे ये देखिए। तो ये तो मार्बल स्टोन है लेकिन ये मार्बल स्टोन नहीं है, ये वही चूने के साथ में मार्बल स्टोन की जो पाउडर होता है उसकी पिसाई करके ये ना ये एकदम चिकना बना रखा है इसको। ये कौन सी आर्ट वाली? ये कमल पुष्प की। उसका थोड़ा और डिजाइन सा बदल दिया ये, इन्होंने राउंड शेप कर दिया था। और ये काफी सही है। ये ऊपर देखो रिलीवर आर्च। अंदर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत ज्यादा दर्शन गेट से ये बुला रहे हैं वो आपको। देखो बिल्कुल नहीं, ये देखिए ये एक दुर्ग है, कोई मंदिर का द्वार नहीं है ये वाला। और दुर्ग के द्वार पर ये किसकी प्रतिमा है? गणेश जी या वरा जो भी है, एक हाथ में यहाँ पर कुल्हाड़ी जैसा कोई इस शस्त्र है, उस हाथ में भी कोई शस्त्र है और दो हाथ जंगाओं पर है। ये हाथी जैसे मुख दिख तो रहा है, हो सकता है कुछ भी। तो इसका एक जो मैंने अर्थ निकाला है वो ये है कि विश्राम करते समय भी शस्त्रों का त्याग नहीं किया गया है। अरे क्षत्रिय तो सोता भी अपने शस्त्रों के साथ लेके है। ये देखिए रूफ इसकी, चार दीवारों से कर्व देते हुए बीच में लाए और बीच में लाके फ्लैट कर दिया और बीच में कीस्टोन। यानी इसमें तीन वर्ल्स दे रखे हैं। बिल्कुल तीन वर्तुल हैं। ये देखो ये पूरा कमल है, ये कमल देखो, वो भी कमल है। जो वो आपने एक चीज आप जिस पुष्प की बार बार बात करते हो मकबरों में, उसकी शेप ऐसे ही एकदम एग्जैक्ट एकदम यही है। वो पुष्प ऐसा है जैसे यहाँ से कटिंग करके और वो अलग निकाल के दीवार पे लगा दे। जी बिल्कुल। थोड़ा यहाँ से बाहर देखिए, दुर्ग की जो प्राचीर है वो कभी भी एक भाग में नहीं रही है। यह भाग यानी अगर कोई आक्रमण करता है बाहर से तो अगर खंडित होती है तो ये दीवार खंडित होगी, ये वाली सेफ रहेगी। और इसमें ये लोक इसके टेबल करने के लिए इस तरफ भी चारों तरफ अगर ये भाई ये पूरा भारी एक वो है शिलाखंड मार्बल का, इसके आगे ये एक टुकड़ा और इसके ऊपर ये पूरा ये शिलाखंड उसका है मार्बल का। ये इतना बाहर से दिखाइए पूरा मार्बल है ये पूरा। एक बार मेरे को मैं
देखिए हाथी। इस तरफ से खंडित है और लॉक सिस्टम यहाँ पर। यह गलियारा इस भवन के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से, और जैसे कि ये है यहाँ से नज़र रखने के लिए, और उस पर प्रति घात भी कर सकते हैं यहाँ से आघात प्रतिघात। और ये भी पत्थर ही है स्टोन। यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ कोई सुरक्षा कवच नहीं। यह एक छोटा दुर्ग है, जैसे राजा के जो सहयोगी होते हैं शायद उनके किसी सहयोगी के लिए बनाया गया होगा इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर कुछ समय विश्राम के लिए बनाए जाते हैं। चलिए, क्योंकि काफ़ी तेज बैट्स की आवाज़ आ रही है और दुर्गंध का तो कहना ही क्या है। प्लास्टर की मोटाई देखिए, बिल्कुल 1.5 इंच, और उस पर चित्रकारी। सीढ़ियाँ उधर, तो इस तरफ भी गलियारा बाहर से, और ये यहाँ से दिखाई दे रहा है जो बाहर की दीवार पे गलियारा यहाँ से। ये तो इसमें क्या है, एक बार लीजिए आप कवर कीजिए। मैंने फेस को कवर नहीं किया। क्या हुआ, नहीं कीजिए कवर किया। बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध है, कोई रख रखाव कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं यहाँ पर, बैट्स ही बैट्स। एक छोटा कक्ष यहाँ पर, और यहाँ पर भी अंदर ध्यान से देखोगे आप तो अंदर गलियारा है, और यहाँ से अंदर बैठकर इधर कुछ कार्यक्रम होता है तो उसको देखा जा सकता है। ये देखिए इसके अंदर भी हाथी का मुख और कमल पुष्प, हाथी का जो सूंड है वो कमल पुष्प को पकड़े हुए। ज़्यादा बड़ा दुर्ग नहीं है, दुर्ग का जो ये वाला हिस्सा है उसको अच्छे से उस पर चित्रकारी वगैरह की गई है। हाथियों ने अपनी सूंड में क्या पकड़ रखा है, वो एक पुष्प है या कलश है? पुष्प है, कमल पुष्प है। बिल्कुल, दुर्गंध बहुत ही तेज है तीव्र, और वर्षा के कारण ये दुर्गंध बढ़ गई है। ये कुंड एक सीढ़ियां, बिल्कुल आप छत पर जाने का प्रयास करेंगे फिर से? आप चलिए ना, क्या गए मारता हूँ पीछे पीछे आपके। नहीं आप चलिए, जाइए ले आप कवर करके लाइए। ये वाला जो हिस्सा है
कड़ी पेशीदा पत्थरों को रख दिया है। तख्ते रखे गए होंगे लकड़ी के कड़ियों के ऊपर, उसके ऊपर फिर पत्थर रख दिए गए चूने में। यहाँ पर है चार द्वार है, चार द्वार नीचे चार द्वार ऊपर, पांचों बंद रखा है। जो बंद हो गया वो फिर द्वार कैसे रहा? मतलब पहले चार बने हुए, पांच बने हुए ना? नहीं नहीं, अब नीचे से उस दीवार को देखिए, ऊपर ले ऊपर देखो, इधर भी चार है। सामने वाले में तीन है, यह है अजबगढ़ दुर्ग जो कि भानगढ़ दुर्ग के समीप ही है, कुछ किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर इसका वहाँ से दूरी है भानगढ़ से। चलिए चलते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं और वैसे भी काफ़ी दुर्गंध है और चमगादड़ है बैट्स।